यूपी तक, यूपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बच चुकी है। अब तक चुनाव को लेकर कई प्री पोल सर्वे सामने आ चुके हैं। यूपी चुनाव में रुचि रखने वाला हर शख्स अब बस यही जानना चाहता है कि आखिर इस बार आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े प्रदेश की सियासी कमान किस दल के हाथ में होगी। एक तरफ बीजेपी है जिसने सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो छोटे छोटे दलों को साथ लाकर मजबूत चुनौती पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस और मायावती के नेतृत्व में बीएसपी भी पूरे दमखम से मैदान में है। इस बीच एबीपी न्यूज और सी वोटर के नए साप्ताहिक प्री पोल सर्वे के रिजल्ट सामने आए हैं। आपको बता दें कि इस सर्वे में साप्ताहिक रूप से यूपी के लोगों की मूड समझने की कोशिश की गई है, हालांकि यह रिजल्ट नहीं है। हर कोई जानता है कि लोकतंत्र में सत्ता की सीढ़ी जनता के वोटों से होकर जाती है। इस नए साप्ताहिक सर्वे में बीजेपी प्लस को 40%, समाजवादी प्लस को 34%, बीएसपी को 13%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 6% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। इस हिसाब से देखिए तो बीजेपी गठबंधन को समाजवादी गठबंधन से तगड़ी फाइट मिल रही है, लेकिन दोनों के बीच अब भी 6% वोटों के फासले का अनुमान जताया जा रहा है। पर बीजेपी के लिए असल चिंता की बात यह है कि फिलहाल तो बीजेपी गठबंधन आगे बढ़ता दिख रहा है, लेकिन एक बिंदु ऐसा भी सामने आया जो पार्टी योगी सरकार के लिए चिंता का सबब है। असल में न्यूज चैनल ने 4 दिसंबर को जारी सर्वे में ताजा सर्वे की तुलना भी पेश की है। इसके मुताबिक 4 दिसंबर को बीजेपी गठबंधन को 41% वोट मिलने का अनुमान था, जो 1% घटकर 40% हो गया। वहीं 4 दिसंबर के सर्वे में एसपी को 33% वोट मिलने का अनुमान था, जो 18 दिसंबर को बढ़कर 34% हो गया। यानी बीजेपी प्लस और एसपी प्लस के बीच वोटों का फासला 8% के आसपास था, 2 हफ्तों के भीतर घटकर 6% रह गया है। एक तरह से देखो तो यह समय के साथ एसपी प्लस के आगे बढ़ जाने की अनुमान की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि यह साफ कर देने की जरूरत है, यह एक महज प्री पोल सर्वे के आंकड़े हैं जिनका असल रिजल्ट से कोई संबंध नहीं है। अक्सर सर्वे के आंकड़ों और असल परिणाम में काफी फर्क देखने को मिलता है। इसके बावजूद प्री पोल सर्वे से प्रदेश के मिजाज का एक मोटा माटी अनुमान जरूर हमारे सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।